बहुत ही सत्कारयोग हाजरीन, आओ सब तो पहला गुरदेव पातशाह दी बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। प्यार सहित आखना जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सोचा सी कि 2 बजे तक समाप्ति असी करनी है, तो साढ़े बहुत ही सत्कारयोग वीर ते पंजाबी दे नैतिक कदरां कीमतां दे उपर बोलण वाले गायक वीर सिंह हुणां ने अखीर दे विच तुहाडे नाल मुखातिब होना है। सो जिहड़ा अज दे इस इकट्ठ दा मुख मुद्दा सी, उहदे विच अहम गल इह सी कि जेकर पंजाब दी किसानी, पंजाब दी ज़राइत, खेतीबाड़ी कर रहा किसान ते किरती मजदूर जेकर आर्थिक तौर दे उपर उह प्रभावित हुंदे ने, तां समुच्चे पंजाब दे सारे वर्ग जिहड़े ने उह किवें प्रभावित हुंदे ने। इह जिहड़े 3 ऑर्डीनेंस ने, इन्हां दे विच्चों उदाहरणां तां कई लईआं जा सकदियां ने, पर जेकर मैं तुहानूं पिछोकड़ दी गल दसां तां किसे भी स्टेट दे विच, किसे भी खित्ते दे विच जदों कोई भी उपद्र शुरू हुंदा है तां उहदी आरंभता जिहड़ी है उह आर्थिक ना बराबरी तों हुंदी है। गुरु नानक साहब मलक भागो दे घर नहीं जांदे, लालो दे घर क्यों जांदे ने? क्योंकि गल यह है कि आर्थिक ना बराबरी दे उस पाड़े नूं खत्म करना है। गुरु नानक साहब ने भी एक खेती का मॉडल दिता है, और तुसी हैरान होवोगे कि तकरीबन 17,500 एकड़ राय बुलार दे परिवार ने गुरु नानक साहब दे परिवार नूं दित्ती, पर उन्होंने उत्थे खेती नहीं की। पर जिहड़ा खेती का मॉडल साढ़े सामने गुरु नानक साहब ने पेश किया, करतारपुर साहब पेश किया, सनतकारी व्यापार गुरु साहब के समय भी होया, चौथे पातशाह ने, पंजवें पातशाह ने जिहड़ा अमृतसर नूं व्यापारक केंद्र बनाया, वह भी सानू वेखना पवेगा कि जिहड़ा गुरु साहब ने सानू खेती का मॉडल दिता है, जिहड़ा व्यापार का मॉडल दिता है, उहदे विच आर्थिकता की बराबरता किन्नी है, ते जिहड़ा मॉडल अज साढ़े सामने दिता जा रहा है उहदे विच ना बराबरी किन्नी है। उहदे विच एक पक्ष अमीर होवेगा जिहड़ा बहुत वड्डा पूंजीवादी है, ते जिहड़ा किरती मजदूर किसान ते छोटा दुकानदार है उहदा नुकसान होवेगा। मैं तुहानू एक बेनती करां, ਇਹ ਧਰਨੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के खत्म होने के नाल ते सारे सूबों के विच जिहड़ा मिनीम सपोर्ट प्राइस जिहड़ा जिनस का वह खत्म होने के नाल मार्केट कमेटी खत्म होगी, तो पंजाब नूं जिहड़ा 4,500 करोड़ का घाटा पैना है उहदा असर इन्हां ते भी पैना है। फर्क इन्ना है कि असी किसान की फोटो ला के हुण कह रहे हुंदे आ साडे हक इत्थे रख, इन्हां ने ATM की फोटो पाई होनी ते कहिंदे होणा कि साडी तनखाह ATM च पा, फर्क इन्ना होना। धरने इन्हां नूं भी लाउणे पैणे, धरने अध्यापकां नूं भी लाउणे पैणे आ, जिन्ने भी पंजाब दे विच किसी भी खेत्र दे विच पंजाब सरकार दे अधीन कार्ज कर रहे जिहड़े कर्मचारी ने, आर्थिकता दा असर उन्हां दे उपर भी पैणा, छोटे दुकानदार नूं भी शामिल होना पैणा। उहदा कारण इह है कि जदों एग्रीकल्चर एग्रीमेंट दे विच जदों किसान नूं इह कहा जाएगा कि तेरी फसल नूं आह कंपनी खरीदेगी ते उस नूं उस दे इनसेक्टीसाइड पेस्टीसाइड स्टेशनरी ते घरेलू वस्तां नूं खरीदण दे वास्ते उह वड्डियां जिहड़ियां पूंजीवादी कंपनियां ने उह इलैक्ट्रॉनिक कार्ड भी प्रोवाइड करनगियां कि आ तुसीं कार्ड लै के जाओ ते साडे तुसीं मॉल दे उपरों जिहड़ा मर्जी समान खरीद लो, जिहदी जेब च कार्ड होवेगा उह कदी रेहड़ी दे उपर सौदा खरीदण नहीं जाएगा, उह छोटे दुकानदार दे कोल नहीं जाएगा। अज जिहड़े लोग कह रहे ने कि किसानां दे हित दे विच है, कदी दुनिया दे विच इस तरह होया कि कोई कानून लोगों के हित दे विच होवे ते लोग संघर्ष कर रहे हों, पर संघर्ष करने वालों की गिनती वाल भी ना जायो। मैं तुहानूं एक गल दसा, एक संघर्ष गरजा सिंह ते बोता सिंह ने भी किया है, वह संघर्ष केवल सिक्खी की होंद का संघर्ष तो है ही है, उहदे विच भी आर्थिक ना बराबरता की गल आउंदी है। शायद बहुतियां किताबां दे विचों
मेरा संबंध इतिहासकारी के नाल है, बहुते स्रोतों के विचों एक गल जिहड़ी है कढ दित्ती गई है। सानू इन्नी गल पढ़ा दित्ती जांदी है कि गरजा सिंह ते बोता सिंह एक किसान है, एक दलित परिवार के विचों है, दोवें जाने सोटा लैके नूर दी सरां दे कोल खड़ जांदे ने ते पहला फरजुल्ला खान नूं ते बाद दे ज़करिया खान नूं संबोधित होकर एक चिट्ठी लिखते ने कि हाथ है सोटा विच राहे खलोता, आना लावे पैसे नूं आना लावे गड्डे नूं पैसा लावे खोता, आखी भाभी खानों नूं ज्यों आखे सिंह बोता। पर उहदे चों एक लाइन कढ दित्ती गई कि यह जंग भी आर्थिक ना बराबरी चों शुरू होई सी, इहदे विच एक लाइन सी तेरा अकबरी कर है खोटा। अकबर दे समय जिहड़ा जमीनी बंदोबस्त दा ते लोकां दे उपर टैक्स लाउण दा सिस्टम अकबर दे नौ रत्नां दे विचों किसे समय इत्थों दे नकोदर दे रहण वाले जिहड़ा टोडर मल ने बनाया सीगा उहदे विच लोकां दे कोलों बड़े टैक्स लए जांदे सी, लोकां दे उपर आर्थिकता दा भार पाया जांदा सी ते गरजा सिंह ते बोता सिंह दी लड़ाई केवल ते केवल अपनी होंद दर्शाउण तक सीमित नहीं सी बल्कि लोकां दी आर्थिकता दे उपर वी बनसर करदी सी। सो यह सानू भी यह वेखना पैना है कि बेशक जो असं कहने कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, खास करके पंजाब की रीढ़ की हड्डी है, तो किसी भी शरीर की रीढ़ की हड्डी टुट जाती है ना तो अंग सारे काम करने हट जाते हैं, बंदा मंजे पर पै जाता है। ये तो सारे वर्गों को सोचना पैना है। तो कुछ वो लोग परमपाल वीर सिंह ने गल की सी, वीर सिंह तुहानू समझा देंगे क्योंकि मैं चाहना कि ज्यादा वक्त उन्होंने दिता जाए। वह गल की कि कुछ लोगों ने इस लड़ाई को इस तरह बनाने का यतन किया जिवें यह लड़ाई किसी खास वर्ग के खिलाफ है, नहीं, जिहड़ा वर्ग यह महसूस कर रहा है ना कि यह लड़ाई उस वर्ग के खिलाफ है उसनों यह महसूस करा रहे हो कि तू पंजाब के खिलाफ है। यह लड़ाई किसी एक धड़े की नहीं, किसी एक जाति की नहीं, यह किसी एक धर्म की नहीं है, ये पंजाब की जंग है, ये पंजाब के होंद की जंग है। और जिहड़ी पंजाब की होंद है ना उहदे च साडा सारिआं दा हक इस करके है कि इहनूं आजाद कराउण दे वास्ते साडा सारिआं दा बराबर दा खून डुला है। सिखां ने बहुत ज़्यादा कुरबानियां दित्तियां ने, जिहड़ियां पंजाब दीआं कुरबानियां ने उहनां दी मिसाल तां इतिहास च कितें मिलदी नहीं है। और उहदे बावजूद पंजाब दे नाल जिहड़े धोखे होए ने, तुहाडे इत्थों दे इक लीडर ने बड़ी ट्रॉल की, बयान भी दिते, मैं तो सगों नूं जवाब च लिखिया सी कि मेरे वीर जे आउणा तो उस धरने च आ जा, प्रैस दे सामने सानूं इन्हां किसानी बिल्लां दे बारे दस देवीं तो असीं तैनूं जवाब दे देवांगे। क्यों नहीं आउंदे, आके साडे नाल क्यों नहीं गल करदे कि ये जिहड़े तीन बिल ने इन्हां दे विच घाटा की है। पिछे जे कह दिता गया जी ये तो पंजाब सरकार ने भी, बिल्कुल इस कोई शक नहीं है, कांग्रेस अकाली बीजेपी इन्हां सारिआं च बराबर दे दोषी ने। और जो कुछ हो रहा है वह सब कुछ इस स्टेट नूं इंग एका केंद्रित करने वास्ते हो रहा है, एक विचारधारा, एक राज, एक धर्म, एक पक्ष उहदे वास्ते हो रहा। और कदी भी जदों बहु केंद्रित देशां दे विच एका केंद्रित विचारधारा नूं प्रवाहित करने की कोशिश की जाती है उन्हां देशां दे टुकड़े हो जाते हैं। पंजाब उन्ना चिर जी सकता है जिन्ना चिर इत्थे बहु केंद्रित विचारधारा चलेगी, जिन्हों तुसी महाराजा रणजीत सिंह दा राज कह सकते हो, जिदे विच दीवान मोकम चंद भी बैठा होवे, जिदे विच फकीर अजीजुद्दीन भी बैठा होवे, इह उस राज दे विचों तुहानूं पंजाब दी बहु केंद्री राज विचारधारा नूं वेखणा पैणा। ते जिहड़े अज कह रहे ने ना, जिस तरह कल मीडिया दे विच इह गल पाई गई कि इह जिहड़ा लुधियाणे दे विच मुजाहरा रखिया गया एक खास वर्ग नूं डराउण दे वास्ते नहीं, ये जिहड़ी डराउण दी राजनीति है उही वर्ग कर रहा है जिहड़ा उस वर्ग दे मानसिकता दे विच ये गल भरना चाहुंदा है कि जिन्ना चिर असी राज सत्ता दे विच उन्ना चिर तक तुसी सुरक्षित हो, जेकर साडा राज ना होया तुहानूं खत्म कर दिता जाएगा। नहीं, उस राज सत्ता दी विचारधारा दे अधीन लोकां दे उपर जुल्म किए जा रहे ने, बलात्कार किए जा रहे ने, लोकां दे नाल विसाघात किए जा रहे ने, लोगों नूं लुट्टिया जा रहा है, लोगों नूं बर्बाद किया जा रहा है। आ पिछे जे सारे वीरां ने हाथरस की घटना की गल की है ना, उहदे उपर सुबोध वर्मा का एक लेख लिखिया सी, किसी ने सांझा किया, उहदे विच एक किताब का हवाला दिता गया सी, सावरकर की किताब है द सिक्स ग्लोरियस ईपोक्स ऑफ इंडियन हिस्टरी। उहदे विच उहने गल पता कही की है, तुसीं हैरान हो जाओगे कि तुसीं कहिंदे हो बलात्कार हो रहे ने, वो इन्हों जस्टिफाई किवें करते हैं,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਆ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭ ਨੂਰ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੁੜਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁੜਕਾ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਪੂ ਮੁੜਕਾ ਨਹੀਂ ਪਸੀਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁੜਕੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜਕੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੈ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੈ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮਰੇਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੌਫ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ। ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਸ਼ਮੀਲ ਦੀ। ਇਮਾਮ ਸ਼ਮੀਲ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਉਹਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ। ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਰੀਆਤਿੰਸਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਮ ਸ਼ਮੀਲ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਖੰਜਰ ਹੈ ਝੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਰੀਆਤਿੰਸਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਮ ਸ਼ਮੀਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਖੰਜਰ ਵੱਜਾ। ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁੱਬੀ ਹੋਈ ਪਿੱਠ ਇਹ ਤਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਝੁਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖਾ ਤੇ ਧਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਣੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗਾਇਕ ਵੀਰ, ਜਿਹਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।